गाइस, वेलकम बैक टू ब्यूटी विद बॉबी एंड आई एम बॉबी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एरोमा मैजिक का फेस वॉश का रिव्यू, जो कि नीम एंड टी ट्री फेस वॉश है फॉर ऑयली स्किन। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, चलिए वीडियो बनाने से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है ब्लॉसम कॉशर का एरोमा मैजिक फेस वॉश। ये नीम एंड टी ट्री का है और इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। ग्रीन टाइप में ऑब्वियसली नीम है और टी ट्री है तो ग्रीन ही रहेगा। और ये जो है इसका कैप जो है ये बिल्कुल लीक प्रूफ है, इवन ट्रैवल फ्रेंडली भी है। अगर कहीं आप जाते हैं तो ये बिल्कुल भी लीक नहीं करता है, इस तरह से है। क्योंकि मेरा भी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन जो ऑयली सीजन वाइज डिपेंड करता है, तो इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि अगर आप भी चाहते हैं, जैसे इसमें नो पैराबिन, नो अल्कोहल, नो पेट्रोकेमिकल, मीन्स कोई भी ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं हैं जो कि आपके फेस के लिए बैड होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि बिल्कुल ऑर्गेनिक नेचुरल आप कुछ यूज़ करें, तो आप इस फेस वॉश के लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ये 100% इसमें लिखा हुआ है 100% फ्री फ्रॉम पैराबिन, सोप, अल्कोहल, आर्टिफिशियल कलर, फ्रेग्रेंस। जब आप इसे यूज करेंगे तो आपका फेस थोड़ा ग्लोई हो जाएगा। हाँ, ये ब्राइट आपके फेस को नहीं बनाता है, बट आपका फेस पूरा क्लीन दिखेगा। और इसका जो फ्रेग्रेंस है मेरे को टी ट्री की तरह लगेगा, मीन्स थोड़ा अच्छा स्मेल है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है। और इसमें ये भी है कि इसमें विटामिन है जो कि आपके स्कार को लाइट करता है और ब्लेमिशेस को कम करता है, इम्प्रूव करता है स्किन टोन को। यस, स्किन टोन को इम्प्रूव करता है, बट जो आपके स्कार्स है उसे लाइट नहीं करता है। तो इसके लिए आपको स्क्रब करते रहना होगा, जिससे कि आपके डेड स्किन सेल्स जो हैं फेस के वो हटते रहें। बट ये बहुत ही परफेक्ट है फॉर ऑयली स्किन एंड फॉर कॉम्बिनेशन स्किन ऑल्सो। ये आपके स्किन के ऑयल बैलेंस को करता है और आपके जो एक्नी है, पिंपल है, उसे रिड्यूस करता है। तो वैसे भी नीम और टी ट्री जो हैं, सभी जानते हैं कि ये दोनों इंग्रेडिएंट पिंपल प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इस फेस वॉश को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एरोमा मैजिक के और भी फेस वॉश आते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी फेस वॉश है, लैवेंडर फेस वॉश है, फिर लेमन फेस वॉश है, जो कि बहुत ऐसे फेस वॉश है जो ऑल स्किन टाइप के लिए परफेक्ट होते हैं। बट ये ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छा है। कि जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल जेल में है, पर थोड़ा रनी टाइप है, ये इसका एक मीन्स डिसएडवांटेज है। दूसरा डिफॉल्ट है कि जब आप फेस को वॉश कर रहे हैं तो ये जल्दी हटता नहीं है आपके फेस से। जो भी नॉर्मल आपके कोई और फेस वॉशेस हैं वो आपके फेस से बहुत जल्दी मीन्स हट जाते हैं जब आप फेस को वॉश करते हैं वाटर से, बट ये जल्दी नहीं हटता है, तो ये इसके एक डिसएडवांटेज है। तो ये थे एरोमा मैजिक फेस वॉश के रिव्यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, फिर उसके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे।